हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अनु सिंह। तो आज है मंडे एंड दिन जो हमारा शुरू हो चुका है, एक हेक्टिक डे स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि मंडे हमेशा विक्रम का, मेरा और कर्ण का, तीनों का हमारा बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक रहता है। सो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है अभी, लास्ट 5-6 डेज से काफ़ी बारिश हो रही है, रुकने का नाम ही नहीं है। तो 15 मिनट के लिए बारिश रुकती है, उसके बाद फिर से बारिश स्टार्ट हो जाती है। एंड देखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, मैं आपको दिखाऊँ देखने में तो व्यू काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी मज़ा आता है देखने में ऐसे। एंड लेकिन बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, बट बारिश होना ज़रूरी भी है। अभी तक तो ना, अभी तो जुलाई चल रहा है, अदरवाइज़ मुंबई में जो बारिश है ना वो मई एंड में, जून में स्टार्ट हो जाती है। तो इस बार जून में नहीं, इस बार जुलाई में हुई है, क्योंकि जून में हल्की फुल्की होती थी, मतलब एक आध बार हुई है, ज़्यादा नहीं। बट जुलाई, लास्ट ईयर तो जुलाई पूरा ही एकदम इतनी तेज़ बारिश थी ना, बट इस साल थोड़ा कम हुआ, लेट हुई बारिश, बट हुई, क्योंकि मुंबई में बारिश होना ऑब्वियसली जो महाराष्ट्र है या फिर कह सकते हैं मुंबई है पूरा, वो बारिश के ऊपर ही डिपेंड है, क्योंकि हमारे घरों में जो पानी सप्लाई होता है ना वो सारा यहाँ के जितने भी लेक्स हैं ना वहाँ से आता है। तो इसलिए पानी, बारिश बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, नहीं तो सूखा पड़ जाता, क्योंकि यहाँ पे जितने भी फसल वसल होती है वो ज़्यादातर बारिश पे ही डिपेंड होती है। तो इसलिए बारिश होना बहुत ज़रूरी था। हम लोग अपना ही सेल्फिश हो रहे थे, क्योंकि हम लोगों ने ये घर शिफ्ट किया था स्पेशली बालकनी के लिए, कि हम बैठ के अपनी इस साल की जो बारिश है हम अपने पुराने वाले घर में रूम के अंदर बैठ के नहीं बिताना चाहते थे। सो हम लोग चाहते थे कि जो इस साल की बारिश है वो हम अच्छे से बालकनी में बैठ के बिताएं, जो हमें मिल चुकी है। सो बालकनी जो हमारा मेन रीज़न था घर चेंज करने का। और गाइज, अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 10:30। तो हम सब ने नहा लिया है, करण अपनी क्लास करने के लिए बैठ गए, विक्रम अपना ऑफिस का, मतलब उनकी मीटिंग है 11 बजे, तो अपना काम सब रेडी करने के लिए बैठ गए हैं। कि मेरा जो खाना है वो बन चुका है, सब्जी बन गई, मुझे अभी दाल बनानी है, दाल रह गई है और आटा मैंने लगा के रख दिया है, तो रोटी जब हम खानी होती तब बना लेते हैं। तो अभी मैं ब्रेकफास्ट करने जा रही हूँ। सो फ्रेंड्स, मैं आज आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ शेयर करना चाहती हूँ। एक्चुअली मैं अपनी वीडियोस में जितने भी प्रोडक्ट्स परचेज करती हूँ, चाहे वो मेकअप है, स्किन केयर है या फिर होम डेकोर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, तो ये सारे प्रोडक्ट्स आप ले सकते हैं मेरा लिंक पेज से। सो बेसिकली मेरा लिंक एक ऑनलाइन पेज है जहाँ पर आपको मेकअप, स्किन केयर, होम डेकोर और ऐसे और भी बहुत सारी कैटेगरी के प्रोडक्ट्स हैं जो वहाँ पर आपको मिलेंगे बहुत ही कम प्राइस में, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। और वहाँ पर जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो 100% जेन्युइन होते हैं, उनकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी होती है। सो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कुछ भी लेने से पहले एक बार जाके मेरा लिंक पेज ज़रूर चेकआउट करें, लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मुझे एक आपसे बात शेयर करनी थी, एक्चुअली जब भी नाश्ता करते करते याद आई। एक्चुअली मैंने आपसे आई थिंक एक महीना पहले, एक महीना नहीं, आई थिंक 15-20 दिन हो गए होंगे आराम से 15। तो मेरा ऑर्डर आया था बिग बास्केट से। सो गाइज, तो मैंने आपसे बोला था कि मैं Q&A एक वीडियो करूँगी, तो जिसमें आपने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे, काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए थे मेरी लाइफ से रिलेटेड सब कुछ। सो वो Q&A वीडियो मैं अभी सोच रही हूँ जल्दी ही शूट करने वाली हूँ, मतलब एक आध दिन में मैं शूट कर लूँगी, मतलब विद इन अ वीक वो वीडियो आ जाएगा। एंड हो सकता है वो वीडियो पहले आ जाए एंड ये बाद में आए, मतलब ये सब चीज़ें मैं अभी जो मैंने प्लान कर रखे, काफ़ी सारी वीडियोस प्लान करके, तो ऑलमोस्ट मेरा बेडरूम भी रेडी है, उसका जो डेकोरेशन वगैरह थोड़ा बहुत मैंने मिनिमल सा किया है वो भी ऑलमोस्ट कर दिया मैंने। एक दो चीज़ें हैं वो डिलीवर हो जाएंगी जब तक, तो मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर दूँगी। एक आध चीज़ें रहती हैं जो अमेज़ॉन से मैंने मंगवाई हैं, थोड़ा लेट हो रही हैं, काफ़ी लेट डिलीवर कर रहे हैं हम लोग। सो हो सकता है वो वीडियो भी पहले आ जाए, मतलब मेरा होम टूर जो, सॉरी होम, सो मेरा बेडरूम टूर जो है वो भी पहले आ जाए, ये वीडियो बाद में जाए, हो सकता है। बट लेट्स सी कब तक होता है सामान, कब तक डिलीवर होता है, दिखा तो रहा है 3 दिन बाद का, बट होपफुली वो जल्दी हो जाए। मैं खाना इतनी जल्दी लेके बैठ गई। एक्चुअली नॉर्मली क्या होता है, हम लोग कर्नल में विक्रम खाना हमेशा साथ में खाते हैं, स्पेशली लंच और डिनर हम साथ में करते हैं, ब्रेकफास्ट हमारा अलग अलग टाइम पे हो जाता है। तो मुझे आज एक बहुत अर्जेंटली वीडियो शूट करना, तो अभी हो रहे हैं 1:30 हो गया, कर्नल की क्लास खत्म होने में 1 घंटा है, तो विक्रम की भी मीटिंग चल रही है, तो उनको टाइम लग जाएगा, वो दोनों साथ में खाएंगे।
तो मुझे लगी थी भूख, इसलिए मैंने अपने लिए निकाल लिया। उसके बाद मैं चल जाऊँगी अंदर अपने स्टूडियो रूम में, और उसके बाद तो मैं बिल्कुल निकल नहीं पाऊँगी क्योंकि मुझे टाइम लग जाएगा 1-2 घंटे। तो वो लोग अपना खाना, मैंने सब कुछ बना दिया, रोटी सब्जी दाल वगैरह सब बन गया। सो मैं जस्ट फिनिश माई वीडियो और मैंने एक अमेजोन होम डेकोर हॉल किया है, तो उसी के लिए मैंने ये सब रेडी हुई थी। मैंने बहुत ज़्यादा कुछ मेकअप नहीं किया एंड टी शर्ट भी मैंने वही पहन के रखी जो मैंने नॉर्मल घर में पहनी हुई थी, जस्ट इयररिंग्स एंड थोड़ा सा हेयर आज मैंने शैम्पू भी किया था, बट अच्छे से क्लीन नहीं हो रहा, बहुत चम्पू सा फीलिंग आ रही थी मेरे बालों में, तो इसलिए मैंने फिर बाल बांध लिया एंड इट्स लुकिंग सो गुड। अच्छा लग रहा है, इयररिंग्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। सो यस, ये मेरी रिंग लाइट पर। तो स्टूडियो में मैं नहीं दिखाऊंगा क्योंकि प्रॉपर एक स्टूडियो टूर आएगा। सो जस्ट अभी बाहर आई हूँ एंड को छोड़ के बाकी का व्यू देखो। ये देखो कंटिन्यूसली बारिश। आज फिर यहाँ पे मैंने सुबह सारी बालकनी वॉश कराई थी, क्लीन की थी एंड अभी देखो फिर से वही हालत हो रही है। मुझे लगता है ये प्लांट्स हटाने पड़ेंगे, पर यार ग्लास लगा हुआ फिर भी पता नहीं क्यों ये टूट जाते हैं। सो यस गाइस, ये है मेरे प्लांट्स। शाम की चाय, चाय विद सम चिप्स एंड प्राइम्स। चिप्स तो नहीं है, प्राइम्स ही हैं सारे। एंड ये है लहसुन के पकौड़े, ये मेरी फ्रेंड ने दिए, एक्चुअली घर के बने हुए हैं, विद ब्यूटीफुल व्यू, विद ब्यूटीफुल हस्बैंड, विद हैंडसम हस्बैंड, नॉट ब्यूटीफुल, विद हैंडसम हस्बैंड एंड माय ब्यूटीफुल प्रिंसेस। ओके, व्हाट इज क्वालिटी टाइम? फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना। करण को सब कुछ पता है। चपर खाए जा रहे हो बस। हैं हम कर रहे हैं, वीडियो बनाओ, हम करण बोलते हैं। हां तो ये देखो गाइस, मस्त व्यू आ रहा है। अब हम काम करेंगे। तो कल से तो बारिश भी नहीं रुक, कल से बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। हम कभी पकौड़े, कभी चिप्स, कभी कुछ, कभी कुछ। चीयर्स। ओ कांच के साथ चीयर्स। खेलने जा रहे हैं कार्ड्स। करण को हमने गेम सिखाई है कार्ड्स वाली, है ना करण? तो जो हम बचपन में खेलते थे, तो हम खेलेंगे अभी कार्ड्स। फोर हो गए। सो देखो मेरे कार्ड्स क्या क्या है। नहीं दिखाने नहीं बेटा किसी को। आप तो दिखा रहे हो। कहाँ दिखा रही हूँ मैं? सबको दिखा रही हूँ, सब बहुत लेट देखेंगे। ओके आ रही हूँ ग्रैन्यूल्स चाट, यानी सोया चाट, न्यूट्रेला चाट जिसको बोलते हैं। तो इसमें ये फुल ऑफ प्रोटीन है इसके अंदर, और पता ही आपको सोया के अंदर प्रोटीन होता है बहुत ज़्यादा। एंड डाइट में भी आप इसको खा सकते हो, अगर आप डाइट पे हो या फिर आप लाइक मील्स अपने बहुत ही बोलते हैं ना रात के टाइम पे कम खा रहे हो, तो आप इसको खा सकते हो, इससे अच्छे से पेट भर जाता है। इस तरह से ये सोया ग्रैन्यूल्स और न्यूट्रेला ग्रैन्यूल्स है, इसको मैं पानी में सोख करके रखूँगी कम से कम 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए। इसको मैं सोक कर देती हूँ पानी में, नॉर्मल पानी है। सो इसको अभी मैं 15 मिनट के लिए सोक करने के लिए रख दूँगी, 15 मिनट भाई अच्छे से पानी सोक कर लेगा। सो ये देखो पानी में अच्छे से फूल गए हैं। तो इस तरह से हम पूरा पानी इसका निचोड़ के पूरा स्ट्रेन कर देंगे, इस तरह से निकल जाएंगे। सो एक नॉन स्टिक की कढ़ाई में थोड़ा सा हम ऑलिव ऑयल डालेंगे, ऑलिव ऑयल या फिर रिफाइंड ऑयल भी आप डाल सकते हो, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, बहुत थोड़ा सा 1.5 टेबल स्पून, दैट्स इट। इसको पूरी कढ़ाई में अच्छे से फैला देना है लाइक दिस। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया, अब इसके अंदर डायरेक्टली हम ये डाल देंगे सोया ग्रेन में, और इसको हम अच्छे से सॉटे कर लेंगे जब तक ये क्रिस्पी नहीं हो जाता।
इसको कम आँच पे यानी सिम पे थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा एकदम तेज़ गैस नहीं होनी चाहिए, इसको मैं ऐसे हल्का हल्का हिलाएंगे तो जैसे जैसे ये गर्म होगा उसके बाद ये काफ़ी क्रिस्पी हो जाएगा। अभी ये हमारा अच्छे से क्रिस्पी हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा क्रिस्पी नहीं होता है, लाइक हल्का हल्का ये हो चुका है, थोड़ा गर्म है, थोड़ा ठंडा होने दें, उसके बाद हम इसको एक बोल में निकाल लेंगे। ये मैंने बोल में ट्रांसफ़र कर लिए हैं, ठंडे हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, हल्के गर्म है। इसके अंदर ऐड करेंगे प्याज और टमाटर चॉप्ड, तो मैंने बहुत ज़्यादा चॉप नहीं किए हैं, जैसे इतना कि जैसे चाट में हम डालते हैं। अब हम ऐड करेंगे सॉल्ट अपने टेस्ट अपने क्वांटिटी के हिसाब से और थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा इस पर हल्का टेस्ट, आप हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हो। दैट्स इट। अब इसके साथ मैं ऐड कर दूंगी थोड़े से पनीर, ये मैंने पनीर भी छोटा छोटा काट लिया ताकि वो ग्रेन्यूल्स के साथ थोड़ा मिक्स हो जाए अच्छे से। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप इसमें कैप्सिकम भी ऐड कर सकते हो और कॉर्न्स भी ऐड कर सकते हो, इसका थोड़ा टेस्ट और अच्छा बनाना है तो। दूंगी धनिया पत्ता फॉर थोड़ी गार्निशिंग के लिए और थोड़ा कलर के लिए।